खबर यूपी के बलिया से है, जहां आजमगढ़ जिले तैनात पुलिस विभाग में जलील अहमद के घर का अवैध हिस्से पर कोर्ट ने आदेश पर ध्वस्तीकरण कर दिया है। जलील अहमद ने बताया है कि नक्शा पास कराकर सदर कोतवाली क्षेत्र के उमरगंज गांव में मकान बनवाया था। उन्होंने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि वो जब मकान बनवा रहे थे उसी समय उनके पड़ोसी द्वारा उनके पैसे की मांग की गई। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आज ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। उन्होंने डीएम, एसपी और उच्च अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मकान बनाते समय गुंडा टैक्स की मांग निसार अहमद करने लगे। निसार अहमद थाना कोतवाली बलिया के हिस्ट्री शीटर हैं। उन पर हत्या सहित 10 मुकदमे हैं। हत्या के 7 मुकदमे हैं। एक हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास भी हो चुका है, जो क्रिमिनल अपील पर बाहर हैं। क्रिमिनल अपील 2568 सन 1987 हैं। 87 से ही वह बाहर हैं और उसी अपनी दबंगई में मोहल्ले में जिसका मकान बनता है सभी से 10,000-20,000 रुपये की मांग करते हैं और लेते हैं। जो पैसा देता है उसी का मकान बनता है, जो नहीं देता है उसका मकान नहीं बनता।